चलती है, लेट ज़्यादा चलते रहती है, तो टाइम में कभी कभी तो ज़्यादा 8 घंटे का फर्क आता है। जुगाड़ करके लगाया गया, बांध दोस्तों। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ MP के मैहर स्टेशन पे, तो हमारी जो एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस, जो कि बरौनी से लेके गोंदिया तक जाती है। तो हमारा जो जर्नी होने वाला है आज यहाँ से होने वाला है मैहर से, और अपनी जो ट्रेन है 7:30 बजे के आसपास आने वाली है। तो देखते हैं, अंदर चलते हैं स्टेशन पर। अपनी जर्नी जो है B2 में होने वाली है, जो कि 3rd AC है। चलिए देखते हैं जर्नी कैसे होती है। तो जो अपना ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाला है, तो अब हम जो इंटर करते हैं स्टेशन के अंदर। गाइस अपनी जो बरौनी गोंदिया है 6:53 मिनट पर आ गया। चलिए देखते हैं, अपन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चलते हैं। तो यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रानी कमलापति रीवा एक्सप्रेस लगी हुई है, जो कि रीवा और रानी कमलापति की ओर जाती है। चलते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, जहाँ पे अपन बरौनी गोंदिया का वेट करने वाले हैं। ट्रेन लेट है 2.5 घंटे। अपनी ट्रेन है जो मैहर से लेके दुर्ग तक हमें जाना है, 522 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे अराउंड 11 to 12 आवर्स। और ये जो ट्रेन है बरौनी से सुबह 10:05 पर चलती है, और अगले दिन शाम को 5:00 बजकर
10 मिनट पे गोंदिया पहुंचाती है, लेकिन ये ट्रेन थोड़ी सी लेट चलती है, लेट ज़्यादा चलते रहती है, तो टाइम में कभी कभी तो ज़्यादा 8 घंटे का फर्क आ जाता है। तो अपन देखते हैं जो अपना 10 से 12 घंटे का जर्नी हो कितने घंटे में कवर करते हैं आज, जो अपनी जो जर्नी होने वाली है वो B2 में 3rd AC में होने वाली है। तो देखते हैं, हम प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं अभी। वैसे तो बोर्ड पे लिखा हुआ 6:53, लेकिन अभी तो 7 बजे हैं। ट्रेन वैसे मुझे लगता है 7:30 के आसपास आएगी। तो देखते हैं, हम चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, देखते हैं अपने क्या होता है, लेट कितनी होती है ट्रेन। तो चलिए चलते हैं हम प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली अपनी जो ट्रेन है 2.5 घंटे लेट के बाद अपनी ट्रेन का जो है अराइवल होता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो देखते हैं अपनी जर्नी कैसे होने वाली है। अपने जो कोच है वो B2 है, और जो लोकोमोटिव है WEG7 है। चलिए देखते हैं कि लेट एक्सप्रेस। कहाँ है अपनी क्लास? B2, ये रहा B3, ये रहा B2, ये है अपना क्लास। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं अंदर। ये B2, ये रही अपनी क्लास। जमा करो, हॉल्ट था यहाँ पे 2 मिनट का था। हमने ऐसे देखा जाए तो यहाँ इसका जो गेट है बंद होता है, क्या ही करे भाई, गेट पूरा क्लोज नहीं होता यहाँ पे। क्या बड़ा स्ट्रीट की तो मैं क्या ही बात करूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है इस स्ट्रीट में। सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
कबाड़ है। पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के शहडोल स्टेशन पे। कड़कती की धूप खिली हुई है। यहाँ पर अपने खाने पीने का लोग सामान ले रहे हैं। अपना जो बीटू का कोच है बहुत ही धूप खड़ा हुआ है। उधर जो है मस्त लगता था, लेकिन धूप जो खड़े हैं तो खाने को मिलेगा क्या? उधर कुछ है देखते हैं। कैसे दे रहे हो? 20 का दो। मतलब तुम्हारा कितना हो गया? बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। पता नहीं ताज़ा होने का होगा, मन नहीं कर रहा लेने का। गाइस देखें यहाँ पे वॉशरूम का क्या हाल है। मुझे हाथ और पूरा देख ले, पूरा गंदगी जमा हुआ है। एक क्वालिटी की बात करूँ तो इसी का क्लास का भी ये हाल है, बहुत बुरा हाल है। पानी जमा हुआ पता नहीं कब, साफ सफाई अच्छे से मिल रही है, क्या करें, पूरा जमा हुआ है, दाम पता होगा चाहे सब इसी में धोते हैं। एवरेज है, काम चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स भूख भी लगी हुई है, खाने का ऑर्डर किया हुआ था। 11 बजे का टाइमिंग था, 12 बज गए अभी तक नहीं आया। वेट कर रहे कब आएगा खाना, देखते हैं। रिव्यू भी करना पता नहीं कैसा बनेगा। हाल तो बहुत बेकार है यहाँ ट्रेन का, इसी का भी तक गंदे तरीके से रखा हुआ है। देखेंगे, देखिए जुगाड़ करके गेट हमेशा ऊपर ही चढ़ा, उसको जुगाड़ करके लगाया गया, जुगाड़ बंद। शहडोल स्टेशन से अपना डिपार्चर होता हुआ, खाने पीने का सामान ताज़ा नहीं मिलेगा। 15231 ट्रेन नंबर। बाय बाय शहडोल, फिर मिलते हैं।
ट्रेन रोड वाला स्टेशन सूखा सूखा स्टेशन यहाँ स्टॉप है तो फिर भी रुक गया था एक ही आदमी दिखा मेरे को छोटा आदमी
सॉल्ट है। चुके हैं छत्तीसगढ़ के तिलदा नेवरा रेलवे स्टेशन से, यहाँ पे WE7 का लोगो मिल सकता है। पार्चर होता हुआ तिलदा नेवरा, तो तिलदा नेवरा स्टेशन से अपना डिपार्चर होता हुआ, डिपार्चर तिलदा नेवरा बाय। समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई है तिलदा। तो फ्रेंड्स हमारा जो डिपार्चर है वो दूर है, सॉरी रायपुर जंक्शन से हो चुका है। तो आप देख रहे हैं अभी हमारा डिपार्चर रायपुर जंक्शन से डिपार्चर। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो है
अराइवल हो रहा है दुर्ग जंक्शन, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जंक्शन में। तो अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हुए, ओदे 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 छपरा दुर्ग ओदे लग गए, जर्नल वाले पहले ही ठूस के बैठा है। जर्नी की यहाँ पे समाप्त होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जर्नी आपको कैसे लगी। फ्रेंड वैसे हमें लेट पहुँचाई है, तो कुछ कुछ थे यहाँ पे बैड एक्सपीरियंस। वॉशरूम यहाँ का गेट जो है बराबर ओपन नहीं हो रहा था, तो लाइक कीजिए। पूरी जोधपुर यहाँ पे एक्सप्रेस पूरी जोधपुर एक्सप्रेस और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक स्टे ट्यून रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।